Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about rational emotive behavior therapy, जो किसने दिया? Albert Ellis ने दिया. According to this therapy, कोई person किसी situation को देख के कैसे react करता है, ये उसके belief system पे depend करता है. According to this therapy, कोई person किसी situation को देख के कैसे react करता है, ये उसके belief system पे depend करता है. अगर किसी person के belief system को, means उसके limiting belief को, उसके irrational belief को change कर दिया जाए, तो situation को देखने का उसका नजरिया ही बदल जाएगा. क्या बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन की जो इरेशनल बिलीफ है, जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो बिना मतलब के बिलीफ है, अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो पर्सन का सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा. ओके, तो इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. ओके, जैसे क्या है, ए पर्सन है, ए पर्सन का पार्टीज को लेके पता है क्या बिलीफ है, ए पर्सन का पार्टीज को लेके क्या बिलीफ है कि सभी पार्टीज में फन होता है, सभी पार्टी में एंजॉय होता है, सभी पार्टी में अच्छा फूड मिलता है. ए का पार्टीज को लेके ये बिलीफ बना हुआ है कि सभी पार्टीज में फन होता है, एंजॉय होता है और अच्छा फूड मिलता है. लेकिन ए एक ऐसी पार्टी में चला गया, वहां पे ना तो उससे फन मिला, ना ज्यादा एंजॉयमेंट मिला, ना वहां पे जाके उसको अच्छा फूड मिला. वहां उस पार्टी में जाके ए ने क्या बोला, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस, आई कैन नॉट स्टैंड हियर. ठीक है, उसने ऐसा क्यों बोला, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस, ए के मुंह से ये वर्ड क्यों आया, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस, क्योंकि जो पार्टी क्या थी उसके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं थी, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी. पार्टी क्या थी, पार्टीज को लेके ए की एक्सपेक्टेशन क्या थी, पार्टीज में फन होता है, एंजॉय होता है, अच्छा फूड मिलता है, लेकिन पार्टी उसके बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं थी, पार्टी उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी. यही कारण था कि ए वहां पहुंच के ए को क्या डिप्रेस फील हो रहा था. ओके, तो यहाँ पे क्या था, सिचुएशन ए के बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं थी, यही कारण था कि ए को क्या फील हुआ, डिप्रेस फील हुआ. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ए और बी का. ठीक है, ए और बी दोनों का इंटरव्यू में रिजेक्शन हो चुका है. ठीक है, ए का अपने बारे में क्या बिलीफ है, ए अपने बारे में क्या सोचता है, आई एम वेरी वर्थलेस. ठीक है, वो अपने बारे में ये सोचता है कि आई एम वेरी वर्थलेस, जबकि बी है वो अपने बारे में ये सोचता है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, बी का एटीट्यूड क्या है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, बी का एटीट्यूड ऐसा है. लेकिन जो ए है उसका एटीट्यूड क्या, आई एम वेरी वर्थलेस. दोनों का बिलीफ सिस्टम क्या डिफरेंट है, ए का बिलीफ सिस्टम अपने बारे में क्या, आई एम वेरी वर्थलेस, आई कैन नॉट डू इट, जबकि बी का क्या है, आई कैन डू इट. ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. अब दोनों का इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ, ए का बिलीफ सिस्टम क्या था अपने बारे में, वर्थलेस. यही कारण था कि रिजेक्शन के बाद ए को क्या फील हुआ, डिप्रेस. ठीक है, ए को क्या फील हुआ, डिप्रेशन, रिजेक्शन के बाद बड़ा सैड हो गया, बड़े स्ट्रेस में आ गया. जबकि बी का अपने बारे में ओपिनियन क्या था, बी का अपने बारे में बिलीफ क्या था, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, मुझे इससे भी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा मिलेगा. जो बी था उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा था. यही कारण था कि इंटरव्यू में रिजेक्शन के बाद बी को डिप्रेस फील नहीं हुआ, जबकि ए को हुआ, क्योंकि दोनों के बिलीफ सिस्टम में डिफरेंसेस थे, दोनों की सोच में डिफरेंसेस थे. ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई पर्सन किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा वो बात डिपेंड करती है कि उसका उस सिचुएशन को लेके बिलीव सिस्टम क्या है. ठीक है, एक बार फिर रिपीट करती हूँ, कोई पर्सन किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा ये बात, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन को लेकर उनका बिलीव सिस्टम क्या है. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, पार्टी को लेके एक का बिलीफ सिस्टम था कि पार्टी में फन होता है, लेकिन वहां जाके उसको फन नहीं मिला तो वो डिप्रेस फील हो गया. यहाँ पे क्या था, एक का अपने बारे में बिलीफ सिस्टम क्या था कि वो वर्थलेस है, यही कारण था रिजेक्शन के बाद उसको बड़ा ही डिप्रेस फील हुआ. बी का अपने बारे में व्यू पॉइंट क्या था, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बड़ा कैपेबल हूँ, तो उसको इंटरव्यू के बाद डिप्रेस फील नहीं हुआ, उसको ऐसी फीलिंग आई मुझे इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करा ये बात डिपेंड करती है इनके बिलीव सिस्टम पे. तो इस थेरेपी के अकॉर्डिंग अगर पर्सन के बिलीव सिस्टम को चेंज कर अगर नए बिलीव सिस्टम सेट कर दिया जाए तो सिचुएशन को देखने का पर्सन का नजरिया ही बदल जाएगा. इस थेरेपी की मेन हाईलाइट क्या है, पर्सन के इरेशनल बिलीव, जो पर्सन के लिमिटिंग बिलीव है, उनको चेंज कर अगर नए बिलीव सेट कर दिए जाए तो पर्सन का सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा उसे. ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ए बी सी डी ई मॉडल के थ्रू समझते हैं. इसे हम समझते हैं ए बी सी डी ई मॉडल के थ्रू. हम ड्रग एडिक्शन का एग्जांपल देते हैं. ठीक है, ए ए इसमें क्या, एक्टिवेटिंग इवेंट. ए इसमें क्या, एक्टिवेटिंग इवेंट. ठीक है, अभी मैं भी एग्जांपल आपको समझाऊंगी. और बी क्या है, बिलीव्स. ठीक है, सी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, और डी क्या है,
डिस्प्यूटिंग और ई क्या है इफेक्ट। ओके इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब ए क्या है एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट क्या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे हम सिचुएशन ले रहे हैं एक पार्टी चल रही है वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल क्या स्मोकिंग कर रहा है सिगरेट पी रहा है। यहाँ एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है पार्टी चल रही है उस पार्टी में ग्रुप ऑफ पीपल स्मोकिंग कर रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं मोहन का। मोहन का एग्जांपल लेते हैं। मोहन का सिगरेट के बारे में बिलीफ क्या है। मोहन की सिगरेट के बारे में सोच क्या है। मोहन की सिगरेट के बारे में ये सोच है उसने कहीं से सुना है या फिर उसने दो तीन बार ट्राई किया हुआ है सिगरेट के लिए उसने दो तीन बार सिगरेट ली हुई है। तो मोहन की सिगरेट के बारे में सोच ये है कि सिगरेट पीने के बाद थोड़ी देर तक बड़ा अच्छा फील होता है बड़ा रिलैक्स फील होता है। मोहन का बिलीफ सिस्टम सिगरेट को लेके क्या है सिगरेट पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा फील होता है बड़ा काम फील होता है बड़ा रिलैक्स फील होता है। ये मोहन का बिलीव है किसके बारे में सिगरेट के बारे में ठीक है। सिचुएशन क्या है ग्रुप ऑफ पीपल सिगरेट पी रहा है और मोहन का सिगरेट को लेके बिलीफ क्या है सिगरेट पीने के थोड़ी देर बाद बड़ा अच्छा फील होता है। कॉन्सिक्वेंसी अब मोहन के इस बिलीफ का क्या नतीजा होगा। अगर मोहन की सोच ऐसी है कि सिगरेट पीने के बाद थोड़ी देर तक बड़ा ही अच्छा फील होता है जब मोहन की सोच ऐसी है तो उस सोच का नतीजा क्या होगा क्या रिजल्ट होगा मोहन सिगरेट पिएगा। ऑब्वियसली अगर मोहन की सिगरेट को लेके मोहन का बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है तो मोहन क्या करेगा सिगरेट पिएगा ठीक है। ये उसे कभी भी कोई ऑफर करेगा सिगरेट या कहीं भी सिगरेट को देखेगा बिकते हुए देखेगा खरीद लेगा या उसके पास है तो ठीक है। जब भी वो सिगरेट को देखेगा ग्रुप ऑफ पीपल कंज्यूम कर रहे हैं उसके फ्रेंड पी रहे हैं या मार्केट में सिगरेट का डिस्प्ले देखेगा क्योंकि मोहन का सिगरेट को लेके यही बिलीफ है तो मोहन क्या करेगा सिगरेट को कंज्यूम कर लेगा। ऐसे ही मोहन धीरे 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 हर बार ऐसा करता रहेगा जब भी एक्टिवेटिंग इवेंट उसके सामने आएगी कोई भी सिचुएशन आएगी क्योंकि मोहन का बिलीफ ऐसा है तो मोहन हर बार सिगरेट को पिएगा हर बार सिगरेट को कंज्यूम करेगा। धीरे धीरे मोहन ऐसा करता रहेगा तो एक दिन उसको एडिक्शन हो जाएगी सिगरेट की। ओके समझ में आया। एक दिन मोहन को सिगरेट की एडिक्शन हो जाएगी वो सिगरेट के बिना नहीं रह पाएगा। ओके अब हम मोहन पे ये थेरेपी अप्लाई करते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अब हम मोहन पे अप्लाई करते हैं ठीक है। ए यहाँ पे एक्टिवेटिंग इवेंट, बी उस इवेंट को लेके हमारा बिलीफ क्या और सी कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण ठीक है। अब हम डी की बात कर लेते हैं। डी क्या डिस्प्यूटिंग। अब जो इस मोहन को एडिक्शन हो चुकी है सिगरेट की वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है ठीक है। थेरेपिस्ट का अब रोल आ जाएगा डी में। डी में जो रोल है वो किसका है थेरेपिस्ट का। डिस्प्यूटिंग इवेंट में थेरेपिस्ट क्या करेंगे जो मोहन के इरेशनल बिलीफ है ना उसको आइडेंटिफाई करेगा। इसमें थेरेपिस्ट पहले क्या करेगा मोहन का जो इरेशनल बिलीफ है ना उसको आइडेंटिफाई करेगा सिगरेट को लेके। सबसे पहले वो मोहन से ये क्वेश्चन ही ये करेगा कि तुम सिगरेट क्यों पीना चाहते हो जिसमें मोहन ऑब्वियसली ये रिप्लाई करेगा कि सिगरेट पीने के थोड़ी देर बाद उसको बड़ा अच्छा फील होता है ठीक है। अब जो उसका ये इरेशनल बिलीफ है ना फील गुड ठीक है फील गुड शॉर्ट में लिख लेते हैं कि सिगरेट पीने के थोड़ी देर बाद मोहन को बड़ा अच्छा फील होता है। अब इसमें जो आपका थेरेपिस्ट है डिस्प्यूटिंग में मोहन के जो डी है डिस्प्यूटिंग पॉइंट मोहन के इस बिलीव को चैलेंज करेगा। तुम मानते हो कि तुम्हें सिगरेट पीने के 5 मिनट तक या 10 मिनट तक बड़ा अच्छा फील होता है तो तुम अपने इस बिलीफ को जो तुम्हारा इरेशनल बिलीफ जो बिना मतलब का तुमने बिलीफ पाल रखा है ना सिगरेट पीने के लिए इसे प्रूव करो कि ये सही है। प्रूव करो कि तुम्हारा ये बिलीफ क्या रियलिस्टिक है ठीक है। क्या तुम सिगरेट तो तुमने 18 साल के बाद पीनी शुरू करी है। क्या 18 साल से पहले तुम्हें कभी लाइफ में खुशी नहीं मिली। क्या तुम तो 18 साल से पहले तुम कभी खुशी नहीं। क्या तुम्हारी खुशी इतनी छोटी है वो एक सिगरेट पे डिपेंड है। ओके क्या दुनिया में जितने भी लोग खुश है क्या वो सभी सिगरेट पी रहे हैं। इस तरह से कई सारी क्वेश्चनिंग करेगा मोहन से। क्या तुम्हारी खुशी इतनी छोटी है जो एक सिगरेट पे डिपेंड है। क्या तुमने तो सिगरेट 19 साल के बाद 18 साल के बाद शुरू करी है उससे पहले तुम्हें कोई खुशी नहीं मिली। क्या दुनिया में जितने भी लोग खुश है वो सिगरेट पी रहे हैं। बताओ प्रूव करो कहां तुम्हारा जो तुमने बेमतलब का बिलीफ पाल रखा है ना सिगरेट पीने के बाद तुम्हें अच्छा फील होता है। तो बताओ कैसे अच्छा फील होता है कहाँ अच्छा फील होता है। कोई तो इसका एविडेंस दो ना कोई तो अपने इस बिलीफ का प्रूफ दो। अगर तुम्हें सिगरेट पीने के बाद अच्छा फील होता मान भी लो तुम्हें 5 मिनट के लिए अच्छा फील हो भी जाता है लेकिन इसके बदले में तुम्हें कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। तुम्हें
लंग्स डिजीज हो सकती है, तुम्हें हार्ट डिजीज हो सकती है, इवन तुम्हें कैंसर भी हो सकता है. ओके, तुम इस 5 मिनट की हैप्पीनेस के लिए, जो तुम्हें मिलती भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा तुम्हारा बिलीफ है, झूठा बिलीफ है, मिलती भी नहीं है. अगर मान लीजिए 2 मिनट की मिलती भी है, 5 मिनट की मिलती भी है, तो उसके लिए तुम इतना इतना ज्यादा कॉम्पनसेशन पे करोगे. ओके, बारी बारी वो थेरेपिस्ट क्या करेगा, इस तरह के क्वेश्चन मोहन से पूछेगा. ठीक है, इस तरह का चैलेंजिंग मोहन का जो बिलीफ है ना, उसको क्रिटिसाइज करेगा. ठीक है, तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट आएगा ई पॉइंट पे. ठीक है, ई पॉइंट में अगर थेरेपिस्ट जैसे कंटिन्यू से उसके दिमाग में जो उसका पुराना बिलीफ है उसको क्रिटिसाइज करता रहा, उसके पुराने बिलीफ पे क्वेश्चनिंग करता रहा, तो इसका इफेक्ट धीरे धीरे मोहन पे क्या होगा, न्यू बिलीफ उसका सेट होगा. जो पुराना बिलीफ था ना, वो बार बार बोलता रहता था, अपने आप से सेल्फ टॉक करता रहता था कि सिगरेट पीने से मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये बिलीफ उसको पुश करता था सिगरेट पीने के लिए, अब उसके नए बिलीफ सेट हो गए हैं. ठीक है, मेरी खुशी इतनी छोटी नहीं है जो सिगरेट पे डिपेंड रहेगी, मैं क्या 19 साल से पहले कभी खुश ही नहीं रहा. ठीक है, क्या संसार में सारे लोग जो सिगरेट वही खुश है जो सिगरेट पी रहे हैं. इस तरह की सेल्फ टॉक अपने आप से करेगा, सिगरेट पीने से मुझे हार्ट डिजीज हो सकती है, लंग डिजीज हो सकती है, ठीक है, मुझे कैंसर भी हो सकता है अगर मैं सिगरेट पीऊंगा. इस तरह की सेल्फ टॉक अपने आप करेगा, बार बार ये बात अपने आप से रिपीट करेगा, तो क्या होगा, थोड़े टाइम में उसका नया बिलीफ बन जाएगा सिगरेट को लेके. जो उसका पुराना बिलीफ है ना कि सिगरेट को पीने से मुझे थोड़ी देर की खुशी मिलती है, वो धीरे धीरे अपने आप फेड हो जाएगा, और उसका नया बिलीफ जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेगा, सेल्फ टॉक करेगा, अपने आप से बोलेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका एक नया बिलीफ सेट हो जाएगा. ठीक है, तो यही हमारी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, यही हमारी हेल्प करती है, हमारे पुराने बिलीफ को खत्म करती है और हमारे नए बिलीफ को सेट करती है, और हमारा सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.